नमस्कार, मैं शशिकांत भारत मौसम विज्ञान विभाग से आपका इस साप्ताहिक परिचर्चा में स्वागत करता हूं। इस प्रेजेंटेशन में हम पिछले एक सप्ताह में जो मौसम रहा उसकी जानकारी देंगे और आगामी दो सप्ताहों में मौसम कैसा रहेगा इसके बारे में परिचर्चा करेंगे। इस चित्र में पिछले सप्ताह जो सिनॉप्टिक सिस्टम्स रहे हैं जिन्होंने भारत के मौसम को प्रभावित किया है उनका जिक्र किया गया है। उसमें सबसे पहले हम देखेंगे दो पश्चिमी विक्षोभ ने जो कि 1-10 से 11 के बीच में और दूसरा 13 अप्रैल से पश्चिमी जो भारत है खासतौर से नॉर्थ वेस्ट इंडिया और जो पश्चिमी हिमालय क्षेत्र है उसमें प्रभावित किया है। और इस संदर्भ में इस रीजन में थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग और उसके साथ साथ एक दो जगह पे हेलस्टॉर्म और भारी वर्षा भी होने की संभावना है। दूसरा सिस्टम हमारा है इसी से एक जो पश्चिमी विक्षोभ है उससे इंड्यूस साइक्लोनिक सर्कुलेशन वेस्ट राजस्थान में 12 से 14 अप्रैल के बीच में रहा है। इसके अलावा जो रेमनेंट WD था वो उत्तर प्रदेश के आसपास और बिहार के आसपास भी रहा है। इसके अलावा बिन डिसकंटिन्यूटी और साइक्लोनिक सर्कुलेशन कॉमरेन एरिया और साउथ वेस्ट देव बंगाल के आसपास रहे जिसने दक्षिणी भारत के मौसम को खासतौर से केरल, तमिलनाडु और केरल से लगा हुआ कर्नाटक का क्षेत्र खासतौर से साउथ इंडियन कर्नाटक वहाँ पर भारी वर्षा भी दी है। इसके अलावा एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन मध्य प्रदेश और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन झारखंड के आसपास भी रहा है जिसने सेंट्रल इंडिया और उसके लगे उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को प्रभावित किया है। इस चित्र के माध्यम से हम पिछले सप्ताह बादल जो है सैटेलाइट एनिमेशन से और इस चित्र में रेनफॉल कहाँ कहाँ पर रही है वो दर्शाई गई है। खासतौर से रेनफॉल हम देखेंगे 9 और 10 तारीख को नॉर्थ ईस्ट में खासतौर से अरुणाचल प्रदेश में 7 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर ऐसे रेनफॉल और एक दो जगह पे वेरी हैवी रेनफॉल भी अरुणाचल प्रदेश में दर्ज की गई। उसके बाद 11 अप्रैल से लेकर के 14 अप्रैल के बीच में खासतौर से आपका जो दक्षिणी कर्नाटक है वहाँ पे और केरल तमिलनाडु में हैवी रेनफॉल दर्ज की गई है। अगर हम बात करें तो इसी दौरान 13 अप्रैल को उड़ीसा में भी एक स्टेशन पर हैवी रेनफॉल हुई है लेकिन मुख्य रूप से दक्षिण भारत में आपका 11 अप्रैल से लेकर के 14 अप्रैल के बीच में और 9 से 10 के अप्रैल के बीच में अरुणाचल प्रदेश और आसपास के एरिया में भारी वर्षा दर्ज की गई। यहाँ पर दो चित्र दर्शाए गए हैं। इस चित्र में सीजनल रेनफॉल अर्थात 1 मार्च से लेकर के 14 अप्रैल तक की रेनफॉल दर्शाई गई। इससे आप देख सकते हैं कि ओवरऑल अगर देखें पूरे भारत में तो अभी भी -40% जो है नॉर्मल से रेनफॉल कम दर्ज की गई है। बाकी सारे सब रीजन्स में ही वो चाहे आपके नॉर्थ वेस्ट इंडिया हो, चाहे आपका सेंट्रल इंडिया हो, चाहे आपका साउथ पेनिनसुला हो और चाहे ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया हो, सारी जगह पर ही नेगेटिव डिपार्चर अर्थात नॉर्मल से कम रेनफॉल दर्ज की गई। परंतु अगर पिछले सप्ताह की बात करें तो पिछले सप्ताह हम देख सकते हैं कि सेंट्रल इंडिया में 132% और सदर्न पेनिनसुला में भी 27% जो कि नॉर्मल से ऊपर वर्षा दर्ज की गई। तो पिछले सप्ताह हम बोल सकते हैं कि थंडरस्टॉर्म के साथ साथ वर्षा भी सेंट्रल इंडिया और साउथ दक्षिण भारत में बारिश दर्ज की गई। फिर भी अगर देखें तो कंट्री एज ए होल पिछले भी -29% दर्ज की गई। यहाँ पर भी हमारे पैनल में दो चित्र दर्शाए गए हैं। खासतौर से ये जो पिछले सप्ताह तापमान कैसा रहा था उच्चतम तापमान उसका दर्शाया गया। तो इस चित्र के माध्यम से आसानी से हम देख सकते हैं कि अगर हम देखें तो अनोमली वाइज देखें तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में आपका अबव नॉर्मल टेम्परेचर दर्ज किए गए हैं और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, लेकिन जो मध्य भारत है और उसके आसपास के इलाके खासतौर से महाराष्ट्र, तेलंगाना, विदर्भ इन सब एरिया में 2 से 3 डिग्री नॉर्मल से कम टेम्परेचर भी दर्ज किए गए हैं। तो ये पिछले सप्ताह रहा। हालांकि पिछले सप्ताह बहुत सारा थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज रहा है तो कहीं पे भी मुख्य रूप से कोई मुख्य हीट वेव दर्ज की नहीं गई है। इक्का दुक्का जगह सौराष्ट्र, कच्छ में और हरियाणा में एक दो जगह पे हीट वेव पिछले सप्ताह दर्ज की गई। इसके अलावा पूरे भारत में ही मौसम या तो नॉर्मल रहा या नॉर्मल से नीचे रहा। इस चित्र में आज 15 अप्रैल को जो सिनॉप्टिक सिस्टम्स हैं जो भारत को प्रभावित कर रहे हैं वो दर्शाए गए हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि एक WD है जो आपका 65 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड से लेकर के 20 डिग्री नॉर्थ तक जो है बना हुआ है जो कि हमारे नॉर्थ वेस्ट इंडिया,
खासतौर से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उनसे लगे इलाके जैसे पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, इनको प्रभावित करेंगे। इसके संदर्भ में एक दो दिन तक यहाँ पर खासतौर 17 अप्रैल तक वेदर रहने की संभावना है। इसके अलावा इंड्यूस साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी सेंट्रल पाकिस्तान और एडजोनिंग वेस्ट राजस्थान में बना हुआ है, जो कि आगे चल के ईस्ट की तरफ मूव करेगा। तो आने वाले एक दो तीन दिन तक जो है नॉर्थ वेस्ट इंडिया और उनके लगे हुए जो मैदानी इलाके वहाँ पर वर्षा, थंडर स्टॉर्म, हेल स्टॉर्म और एक दो जगह पर हैवी रेनफॉल होने की संभावना है। इसके अलावा अगर हम देखें तो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है विदर्भ और उसके आसपास बना हुआ है, जिससे सेंट्रल इंडिया में भी आपका थंडर स्टॉर्म, हेल स्टॉर्म होने की संभावना है। इसके अलावा ट्रफ एंड विंड डिस्कंटिन्यूटी भी बनी हुई है, जो कि आपका जा रहा है साउथ वेस्ट अरेबियन सी ऑफ केरला कोस्ट से लेकर के NIK तक। तो इससे क्या है कि साउथ इंडिया में भी आने वाले दो दिन तक खासतौर से केरल, तमिलनाडु और उनसे लगे हुए कर्नाटक के क्षेत्र में वर्षा होती रहेगी। इसके अलावा वज्रपात और एक दो जगह पर हैवी रेनफॉल होने की भी संभावना है। इस चित्र के माध्यम से आने वाले 5 दिनों में भारत में कौन कौन से स्थानों में क्या क्या वेदर रहेंगे वो दर्शाए गए हैं। तो चित्र एक पहले 15 तारीख के वेदर में अगर हम देखें तो पूरे ही भारत में सिवाय गुजरात और आपका वेस्ट MP और उत्तर प्रदेश और बिहार के एक दो सब डिवीजन को अगर छोड़ दें तो पूरे ही भारत में आज के दिन में थंडरस्टॉर्म और उनसे एसोसिएटेड लाइटनिंग और ये सब एक्टिविटीज होने की संभावना है। और यहाँ से हम ये भी देख सकते हैं कि जो आपका केरल, तमिलनाडु और साउथ इंडियन कर्नाटक वहाँ पर हैवी रेनफॉल होने की संभावना है। इसके अलावा आज जम्मू कश्मीर में और वेस्ट राजस्थान, जम्मू कश्मीर में हैवी रेनफॉल और वेस्ट राजस्थान में डस्ट स्टॉर्म होने की भी संभावना है। यही एक्टिविटी कल भी जो है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जारी रहने की संभावना है और साउथ इंडिया में भी केरल और तमिलनाडु में हैवी रेनफॉल हम आसानी से देख सकते हैं। लेकिन उसके बाद ये एक्टिविटी साउथ इंडिया में थोड़ी कम होती दिखाई दे रही है, हैवी रेनफॉल 17 तारीख से न होने की संभावना है। लेकिन इक्का दुक्का जगहों पर थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग तमिलनाडु केरला में बनी रहेगी। इसके अलावा अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो ये आपका हैवी रेनफॉल का एपिसोड जो है बरकरार रहेगा जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में, लेकिन थंडरस्टॉर्म की जो एक्टिविटीज है उत्तर प्रदेश और बिहार में भी होने 17 तारीख को होने की संभावना है। उसके बाद 18 तारीख से वेदर जो है मुख्य रूप से नॉर्थ ईस्ट इंडिया में और जो ईस्ट कोस्ट है वहाँ पर रहने की संभावना है, जैसे उड़ीसा, कोस्टल आंध्र प्रदेश। अदरवाइज पूरे ही भारत में 17 तारीख से वेदर अच्छा होने की संभावना है। यहाँ पर 3 चित्र दर्शाए गए हैं। इन 3 चित्र में MSLP, जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि साइक्लोन जैसे होगा कि नहीं होगा, और दूसरा 925 की लोअर लेवल की रेनफॉल और ये 50 की विंड और रेनफॉल को दर्शाया गया है, जो कि आगामी 7 दिन में क्या क्या वेदर रहेगा वो दर्शाया गया है। इसका जिक्र हम आने वाली समरी में करेंगे। ये हमारे 2 वीक के लिए एक्सटेंडेड रेंज आउटलुक है, जिसमें ये आसानी से देख सकते हैं पहले पैनल में जो दर्शाया गया वो रेनफॉल के लिए दिखाया गया। तो पहले वीक में आप देख सकते हैं कि साउथ इंडिया में मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु और ऊपर वेस्टर्न बैरेजिन उनसे लगे हुए प्लेन्स में वेदर को दर्शाया गया है। इसके अलावा आप वीक 2 में अगर देखें तो ये वेदर जो है उत्तरी पूर्वी भारत में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में और इक्का दुक्का जगह केरल और उससे लगे हुए तमिलनाडु में बारिश होने की संभावना है। ये मैक्सिमम टेम्परेचर के अनोमली और मैक्सिमम टेम्परेचर आगामी 2 वीक में कैसा रहेगा वो दर्शाया गया है। तो पैनल 1 से हम देख सकते हैं कि चूंकि पहले वीक में बहुत सारा थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज पूरे ही भारत में एक दो जगह पे होने की संभावना है, इसलिए पहले वीक में टेम्परेचर आपका नॉर्मल या बिलो नॉर्मल बहुत सारे स्थानों पर संभावित है, सिवाय उड़ीसा के और इक्का दुक्का जगह जो हमारा कश्मीर का एरिया वहाँ पर। लेकिन वीक 2 में चूँकि कोई भी थंडरस्टॉर्म और रेनफॉल की जो एक्टिविटीज वो कम रहने की संभावना है, इसलिए वीक 2 में ईस्ट कोस्ट मुख्य रूप से उड़ीसा और उनसे आसपास के इलाकों में GW बिहार में वहाँ पर भी टेम्परेचर ज़्यादा रहने की संभावना है। इसके अलावा सौराष्ट्र, कच्छ और जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट के स्थानों पर टेम्परेचर ज़्यादा रहने की, नॉर्मल से ज़्यादा रहने की संभावना है। इस चित्र से हम देख सकते हैं आगामी 2 वीक में नॉर्थ इंडियन ओशन में, बे ऑफ बंगाल में और अरेबियन सी में कोई भी सैक्लोन जेसिस बनने की संभावना को दर्शाया गया है। यहाँ से हम आसानी से देख सकते हैं कि दोनों ही बेसिन्स में चाहे साइक्लोन, चाहे बे ऑफ बंगाल हो चाहे अरेबियन सी हो, पूरे नॉर्थ इंडियन ओशन में कहीं पर भी आगामी 2 वीक में कोई भी सैक्लोन जेसिस फॉर्मेशन की संभावना नहीं है। ये इस स्लाइड में हमने पहले सप्ताह में वेदर कैसा रहेगा उसके लिए दर्शाया गया है,
जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि एक WD अभी नॉर्थ वेस्ट इंडिया के मौसम को प्रभावित कर रहा है, ये आगामी दो दिन तक जो है 17 अप्रैल तक इसको प्रभावित करेगा, उसके बाद इसकी इंटेंसिटी और रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन इस क्षेत्र में कम हो जाएगी। और इसी तरीके से दूसरा WD आने की संभावना है जो कि वेस्टर्न म्यार रीजन को 20 से 22 अप्रैल के बीच में प्रभावित करने की संभावना को दिखाता है। 21 अप्रैल को इसकी एक्टिविटी ज़्यादा रहने की संभावना है। हालांकि इस दौरान हमारे जो प्लेन्स हैं वेस्टर्न म्यार रीजन से लगे वहाँ पे भी आइसोलेटेड टू स्कैटर रेनफॉल होने की संभावना है। इसके अलावा जो हमारा जैसा कि हमने पहले भी बोला है कि जो साउथ पेनिनसुला वहाँ पर अभी मौसम प्रभावित कर रहा है, तो वहाँ वो एक्टिविटी भी आपकी 17 तारीख यानी कि 48 घंटे तक रहेगी, उसके बाद वो एक्टिविटी कम होने की संभावना है। हैवी रेनफॉल जैसे हम पहले भी बोले केरल तमिलनाडु और उससे लगे हुए कर्नाटक में हैवी रेनफॉल होने की भी 17 तारीख तक होने की संभावना है। इसके अलावा अगर हम दोबारा देखें तो स्कैटर टू फेली वाइडस पर रेनफॉल खासतौर से साउथ वेस्ट पेनिनसुला मुख्यतः केरल में होने की संभावना है आपको 19 से 21 अप्रैल के बीच। और जहाँ तक नॉर्थ ईस्ट का सवाल है तो बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर ज़्यादा होने और वहाँ नॉर्थ ईस्ट को तक पहुँचने के कारण नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी 17 तारीख से वेदर इंक्रीज होने की संभावना है। और ख़ासतौर से अरुणाचल प्रदेश में और आसाम मेघालय में 17 से 20 अप्रैल के बीच में एक और दुक्का जगह पर हैवी रेनफॉल भारी वर्षा होने की संभावना है। अगर हम टेम्परेचर सिनेरियो को देखें तो आने वाले वीक में जैसा कि हमने पहले भी कहा थंडर स्टॉर्म एक्टिविटीज बनी रहेंगी और ये बारिश का जो एपिसोड है वो जारी रहेगा, इसलिए पहले वीक में कहीं पर भी सिग्निफिकेंट हीट वेव होने की संभावना नहीं दिखाई देती है। लेकिन अगर हम दूसरे वीक की बात करें तो कोई भी जैसा कि हमने लिखा हुआ है कि कोई भी इंटेंस WD इस दौरान नहीं रहेगा, न आने की संभावना है। और इसके अलावा जो थंडर स्टॉर्म एक्टिविटीज है वो भी कम होने की संभावना है, इसलिए वीक दो के आखिरी हिस्से में खासतौर से जो ईस्ट कोस्ट है हमारा जैसे उड़ीसा है उसके आसपास के इलाकों में इक्का दुक्का मॉडरेट प्रोबेबिलिटी है, लाइक टू मॉडरेट प्रोबेबिलिटी है कि वहाँ पे हीट वेव दर्ज इक्का दुक्का जगह पे की है। तो जैसा कि हमने पहले भी बोला है कि आपका लो टू मॉडरेट प्रोबेबिलिटी है वीक टू में आपका टेम्परेचर ज़्यादा रहने की संभावना खासतौर से ईस्ट कोस्ट और सेंट्रल इंडिया में, तो वहाँ पे ईस्ट कोस्ट उड़ीसा में और इक्का दुक्का जगह पे हीट वेव होने की भी वीक के आखिरी दूसरे वीक के आखिरी हिस्से में संभावना है। ये हमारे डिफरेंट ऐप्स हैं जो हम जिससे लोकेशन स्पेसिफिक और डिफरेंट तरीके की वेदर वार्निंग्स और वेदर फॉरकास्ट को हम ले सकते हैं, जैसे लाइटनिंग के लिए दागनी है, मौसम के लिए मौसम है और कृषि से संबंधित मेघदूत ऐप को हम फॉलो कर सकते हैं। हमारी सारी सूचनाएँ फेसबुक ट्विटर पर भी देखी जा सकती हैं, नावकास्ट पेज पर भी हमने स्टेशन स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक देखा जा सकता है। इसके अलावा IMD एक नई पहल है जिसको क्राउड सोर्सिंग बोलते हैं, जिसमें कोई भी जन सामान उसके क्षेत्र में जो भी मौसम से संबंधित जो भी घटनाएं घटित होती हैं वो इस सोर्स के माध्यम से इसको दर्ज करा सकता है। और यहाँ पे हमने उसका लिंक भी हमारी जो वेबसाइट उस पर दिया गया है, वहाँ जाके इसको दर्ज कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।